गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि शौक चल रहा है अपना और ये सेकंड वीडियो है शौक का। फर्स्ट वीडियो में अपन ने लिया था भाई कि हाइपो वॉल्यूमिक शौक क्या होता है। तो हाइपो वॉल्यूम या वॉल्यूम ब्लड या प्लाज्मा का जो बॉडी में लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपो वॉल्यूम या और हाइपो वॉल्यूम से हाइपो वॉल्यूमिक शौक, तो उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। लेट्स सी नाउ वी विल स्टार्ट जस्ट ये सेप्टिक शॉक कंटिन्यू। सेकेंड नंबर पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक था, सेकेंड सेप्टिक शॉक। अपन वही चल रहे हैं अभी, सेप्टिक शॉक लेंगे, उसके बाद में एनाफिलैक्टिक शॉक लेंगे, उसके बाद में कार्डियोजेनिक शॉक लेंगे और लास्ट वन न्यूरोजेनिक शॉक एक और बच्चे का जो इस वाइट बोर्ड में अभी वो आया नहीं है, तो उसके इसके बाद में कार्डियोजेनिक शॉक के जस्ट बाद में अपन न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हाइपोवॉल्यूमिक था, हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता था, उसी तरह सेप्टिक, सेप्टिक से पता चल रहा है कि सेप्टिसीमिया, एक वर्ड होता है सेप्टिसीमिया, सेप्टिक से सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया, अब सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया मीन्स ब्लड का इन्फेक्शन, बॉडी में, बॉडी के किसी भी ऑर्गन या पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। अब सेप्टिसीमिया की वजह से कोई शॉक हो रहा है, मतलब उसकी वजह से अपने ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन हो रहे हैं और जो ऑर्गन है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फंक्शन के साथ में, तो फिर वो सेप्टिक शॉक कहलाएगा। उसमें अपन ये किस वजह से होता है सेप्टिक शॉक, किस वजह से होता है? बैक्टीरियल हो गया, कॉज बाई बैक्टीरियल हो गया, जैसे निमोनिया हो गया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या स्किन इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो गया, सेलुलाइटिस मतलब सेल्स का वो इन्फ्लामेशन हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, रप्चर अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स का टाइम पे ऑपरेट वगैरह नहीं हुआ या मेडिकल जो भी मैनेजमेंट है वो अगर नहीं हुआ है तो अगर अपेंडिक्स अगर बॉडी में रप्चर हो जाता है तो उसकी वजह से भी शॉक सेप्टिसीमिया पेशेंट जा सकता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस वही मेनिंजिस लेयर का जो इन्फेक्शन होता है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में साइनस सिम्टम्स, साइनस सिम्टम्स में क्या आएगा कि उसको फीवर होगा, है ना, हाइपरपायरेक्सिया भी हो सकता है, मोर देन 1 and 2 1 and 1 फेरेनहाइट से ज़्यादा ही उसको फीवर आएगा, क्योंकि वो सेप्टिसीमिया में तो फीवर आने ही आना है उसको, तो हार्ट रेट है वो, हार्ट रेट भी उसकी बढ़ी हुई होगी, नॉर्मल जो अपने 85-82 तक होती है उससे 90 से ज़्यादा ही होगी उसके हार्ट रेट, ब्रीदिंग जो है वो भी ज़्यादा ही होगी, टेक्निया होगा उसको, ठीक है, ये टैकीकार्डिया हो गया, ये टेक्निया हो गया, फीवर भी होगा उसको। और WBC जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर अपन करवाते हैं तो WBC भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, जो नॉर्मली 4,000 से 10,000 के बीच में होती है, तो जो WBC है वो 10,000 के ऊपर ही होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब अपन चलते हैं इसका एक्चुअली में ये सेप्टिक शॉक है उसका मैनेजमेंट क्या है, अपन उसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक, तो वो इसमें सेप्टिक शॉक में अपन एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद में ये हाँ, उसके बाद में वैसो एक्टिव, वैसो एक्टिव मीन्स नॉरे डोपामिन, अगर उसको जैसे हाइपोटेंशन है पेशेंट या सेप्टिक शॉक में, तो उसमें फिर नॉरेड और डोपामिन भी उसको अपने बाय इन्फ्यूजन ड्रिप लगवाना पड़ सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी उसको देंगे, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना है, सेप्टिसीमिया है तो इन्फ्लामेशन हुआ ही हुआ उसको, तो ऑर्गन में फिर वो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो उसको अपन डायलिसिस की तरफ भी, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं डायलिसिस की तरफ भी अपन नीडफुली हो तो जा सकते हैं। ये हो गया अपना सेप्टिक शॉक। उसके बाद में अपन लेते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो हाइपरसेंसिटी एंड एलर्जिक रिएक्शन है। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या है? एनाफिलैक्टिक शॉक वो शॉक होता है जब पेशेंट को हाइपरसेंसिटी, मतलब किसी भी मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गई, या कोई खाने पीने में कुछ कोई ऐसा आ गया जो उसको सूट नहीं हो रहा है, या कोई हाइपरसेंसिटिव है उसके लिए, या एलर्जिक रिएक्शन किसी भी चीज़ से एलर्जिक है और वो ज़्यादा एलर्जी मतलब सीवियरिटी की ओर चली जाती है तो फिर वो एनाफिलैक्टिक शॉक में चले जाता है। और प्लस जैसे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, स्टिंग बाइट है, बी बाइट है,
ये चीजें भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आता है, तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे ही आता है तो उसमें, या कोई मेडिसिन हो गई, कोई भी मेडिसिन उसको दे रहे हैं और उसको हाइपर सेंसिटिव हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो फिर वो एनाफिलैक्टिक शॉक की तरफ चला जाता है पेशेंट। उसके बाद में इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये एनाफिलैक्टिक शॉक है, तो उसके लिए अपन ने स्किन रिएक्शन, उसका स्किन रिएक्शन देखते हैं। स्किन रिएक्शन देखने का ये मीनिंग है भाई कि रेडनेस हुआ कि नहीं हुआ, लाल लाल चकते तो नहीं पड़ गए, दाने जैसे चकते पड़ जाएंगे, पूरे हॉल बॉडी में चकते पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ज़्यादा सीबीटी की तरफ तो चला जाता है। उसके बाद में सडन फीलिंग टू वार्म, पेशेंट मतलब एकदम से ऐसा बोलता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जबकि सर्दी में भी ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है गर्मी में भी बोलेगा कि गर्मी लग रही है, सर्दी में भी कि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और स्वेटिंग भी, हाइपो परफ्यूजन वो स्वेटिंग भी हो सकती है उसको। डिफिकल्टी स्वॉलिंग मतलब उसको कुछ भी पिलाओगे या खिलाओगे तो एकदम से वो निगलने में भी उसको प्रॉब्लम होगी। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन के लिए भी हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन या हाइपरसेंसिटिव में। उसके बाद में वीक एंड रैपिड पल्स, वीक एंड रैपिड पल्स से मीनिंग ये है कि वीक, जब आप उसकी पल्स फील करोगे रेडियल या कोई भी पल्स फील करोगे बॉडी की, तो उसको पल्स फील एक तो वीक होगी, मतलब ऐसे फ्लेक्स वो स्पाइक की तरह नहीं होगी, है ना, एकदम से वीक होगी स्पाइक, जो तेज तेज से जो वॉल्यूम है उसका वीक वीक रहेगा, और रैपिड पल्स रहेगी, रैपिड मतलब स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट रहेगी, ना। रनी नोज एंड स्निंग, नाक से पानी भी आ सकता है, वह स्निंग मतलब छींके भी लेगा। स्ट्रगलिंग टू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सीवीटी के अगर तब जा रहा है, एनाफिलैक्टिक शॉक सीवीटी के तब जा रहा है और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा उसका, या व्यवस्था नहीं हुई कोई मेडिकल मैनेजमेंट की, तो स्ट्रगलिंग मतलब वो स्ट्रगल करेगा, फिर ब्रीदिंग के साथ स्ट्रगल, उसको लेबर्ड ब्रीद हो जाएगी और इतना ज़्यादा वो जोर से मतलब जोर जोर से सांस लेने की वो एक तरह से वो होगा जीसीएस लॉस, फिर वो धीरे धीरे लेबर्ड ब्रीदिंग की तरफ, फिर वो एक आप ये कह सकते हो गैस्पिंग में चला जाएगा पेशेंट, और फिर उसका जीसीएस लेवल जो है ग्लासगो कोमा स्केल जो न्यूरोजेनिक जो ये कंडीशन है वो धीरे धीरे उसकी वीकनेस हो जाएगी। इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यही है कि एनाफिलैक्टिक शॉक में अगर है तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन देंगे, ये क्वेश्चन भी बनता है इसका, कहीं बाहर क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, उसको मधुमक्खी ने, चार पांच मधुमक्खी थी, जंगल में जा रहा था एक व्यक्ति और उसको मधुमक्खी ने, चार पांच मधुमक्खी थी जो उसने, मधुमक्खियों ने उसको काट लिया, तो मधुमक्खियों ने काट लिया, तो पेशेंट ओपीडी में आया, ओपीडी से अनकॉन्शियस होके वो जैसे ही ओपीडी में आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एम्स में ऐसे प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि एनाफिलैक्टिक शॉक में सबसे ज़्यादा क्या, सबसे पहले क्या करोगे आप, आईवी लाइन लोगे या डॉक्टर्स को बुलाओगे या सीपीआर करोगे उसका, या जीसीएस देखोगे उसका, या ब्लड प्रेशर देखोगे उसका, या पल्स देखोगे उसका, या आईवी लाइन लोगे, फ्लूड लगा दोगे उसका, सबसे पहले क्या करोगे, ये इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, दिस वन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, सबसे पहले आप बिना सोचे समझे, सबसे पहले अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, सेमी कॉन्शियस है और पेशेंट को सीबीटी की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लगा देंगे, फॉलोअप पोजिशन में लेके उसका ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद एनाफिलैक्टिक शॉक का जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है, ये क्वेश्चन भी पूछा था ये इंटरव्यू में, मेरे से भी पूछा था एम्स का जो इंटरव्यू था उसमें मेरा ये एनाफिलैक्टिक शॉक में, एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है और इसका ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, एम्स दिल्ली का दिया था मैंने 2009 में, तब वहाँ से मेरा एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, इंटरव्यू में पूछा था, उस समय इंटरव्यू होते थे, तो ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग्स ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक पेशेंट हु इज गोइंग इन एनाफिलैक्टिक शॉक, उसके लिए एपिनेफ्रिन जो ड्रग्स है, मतलब एड्रेनलिन, एड्रेनलिन 1+9 में डिजोल्व करते हैं और जितना डॉक्टर्स बोलते हैं उससे, उसके हिसाब से अपन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आईवी या सबक्यूटेनियस, तो एपिनेफ्रिन ड्रग्स एड्रेनलिन। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो अपन उसको सीपीआर भी देना पड़ सकता है, अगर बिल्कुल ही ज़्यादा वो अनकॉन्शियस है और उसकी पल्स वगैरह बिल्कुल भी अब्सेंस है और कैरोटिड पल्स भी अगर नहीं आ रही है तो पेशेंट अपन रिक्वायर है अगर सीपीआर, तो सीपीआर भी दे सकते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स भी उसको देना पड़ेगा, डॉक्टर्स कहेंगे उसके हिसाब से अपन देंगे। उसके बाद में सेप्टिक शॉक हो गया, एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया, अपन चलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ। कार्डियोजेनिक शॉक
जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अपन सब जगह नाम से ही पता चल रहा है, सेप्टिक शॉक में सेप्टिसीमिया, एनाफिलैक्टिक में मींस हाइपर सेंसिटिव, है ना, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन, वो बी बाइट, स्टिंग बाइट या मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन या पॉइजन किसी से भी हो सकता है ना, एनाफिलैक्टिक शॉक। अब अपन पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक मतलब कार्डियक से रिलेटेड, कार्डियोजेनिक शॉक मींस कार्डियक से रिलेटेड, कार्डियक से रिलेटेड कार्डियोजेनिक शॉक मतलब कार्डियक जो हार्ट की कोई भी मसल्स वीक है, या जो कार्डियक जो हार्ट के जो मसल्स है उसमें डिसफंक्शन हो जाना किसी भी वजह से, कोई भी डिजीज की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता, हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो वो एक तरह से एनाफिलैक्टिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट। तो कॉज्ड बाई डैमेज हार्ट, हार्ट की जो मसल्स होती है वो अगर डैमेज है, चाहे इंजरी से हो चाहे कोई डिजीज से हो, उसकी वजह से, है ना, मायोकार्डियोटाइटिस हो गया, जैसे हार्ट वॉल मेटल या बाइकस्पिड टाइकस्पिड कोई भी वाल अगर मिस्टेक हो गया, तो एंडोकार्डियोटाइटिस से उसमें हार्ट में मसल्स में अगर इन्फेक्शन हो गया या वॉल में इन्फेक्शन हो गया, तो ड्रग ओवरडोज या पॉइजन, पॉइजन का कोई पॉइजन ले लिया पेशेंट ने या ड्रग ओवरडोज हो गई पेशेंट को, तो फिर भी अपन ये कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। डायग्नोस कैसे करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर कम आएगा कार्डियोजेनिक शॉक में, ईसीजी करेंगे उसकी, ईसीजी में आइडिया हो जाएगा भाई मोटा मोटा क्या हुआ इसको, चेस्ट एक्सरे कार्डियोमेगाली, अगर पेशेंट के हार्ट का जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो गया हो तो कार्डियोमेगाली एक्सरे में अपन को पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट में क्या क्या करवाएंगे, अगर कार्डियोजेनिक शॉक अगर हुआ है पेशेंट में तो ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे, जैसे एबीजी हो गया जो अपन ने पढ़ा ही था, ठीक है ना, आरटी ब्लड गैस हो गया, ट्रॉप टी करवाएंगे, कार्डियक मसल्स है वो डैमेज तो नहीं हुई, ट्रॉपोनिन टी जो ये कार्डियक मार्कर होता है ना प्रोटीन, वो उसमें अगर ब्लड में आ जाएगा तो पता चल जाएगा इसको कार्डियक मसल्स कहीं कहीं से डैमेज हुई है। ट्रॉपोनिन टी ट्रॉपोनिन आई दोनों कार्डियक मार्कर, इसके साथ में CPK-MB भी करवाएंगे, है ना, CPK-MB इसके बारे में, कार्डियक मार्कर के बारे में अलग से अपने क्लास लेके उसको पढ़ेंगे। एंजियोग्राम करवाएंगे उसकी, क्या होता है एंजियोग्राम, ये कार्डियक कैटेटराइजेशन। उसके बाद में इसका मैनेजमेंट क्या है कार्डियोजेनिक शॉक का, कार्डियोजेनिक शॉक का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले आइनोट्रोपिक एजेंट देंगे उसको। आइनोट्रोपिक एजेंट देने का मतलब ये है कि जैसे नॉरेड हो गया, है ना, नॉरेड हो गया, हार्ट की जो फंक्शन है उसको बढ़ा देगा, हार्ट का जो फंक्शन वो काम कर रहा है कार्डियोजेनिक शॉक में तो उसको बढ़ा देगा। ओके, तो नॉरेड वगैरह ये देंगे अपन, डॉक्टर्स जैसे बोलेंगे कितना डोज देना वो और डिसाइड करके अपन को ऑर्डर देंगे। एस्प्रिन, रेडियो ब्लड क्लॉट अगर बॉडी में बन रहा है तो अपन एस्प्रिन वगैरह टेबलेट उसको एडमिनिस्टर करेंगे एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, ये अपन एस्प्रिन वगैरह देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट कुछ भी है तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वगैरह देते हैं, उसमें जो अपने एनेक्सोफेरिन आता है, इंजेक्शन भी आता है जैसे एनिजोफेन, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देखिए उसको, कौन कौन सी, जैसे क्लोपिडोग्रेल हो गई, प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, ये एटोरवास्टेटिन हो गई, ये सभी एंटी प्लेटलेट टेबलेट है जो प्लेटलेट जो एग्रेशन है उसको बढ़ा देती है, प्लेट क्लॉट क्लॉट को डिजोल्व कर देती है। ब्लड थिनिंग जैसे हिपेरिन है ये देखिए अपन। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे एंजियोप्लास्टी है, एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, स्टेंटिंग भी डलता है, आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, बैलून पंप वगैरह और CABG ये कार्डियक बाईपास जो सर्जरी होती है वो करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन एक छोटा सा और शॉक ले लेते हैं, एक्सेस भी दूँ जी, इसके बाद में एक छोटा सा शॉक और है वो ले लेते हैं अपन, इसी में ले लेते हैं, नहीं कि क्लास भी जो अलग अलग वीडियो टुकड़ों में ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट वन इज न्यूरोजेनिक शॉक वो शॉक होता है जब कोई व्यक्ति नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉपर जो नर्वस सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, तो उसको एकदम से न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट चला जाएगा। जैसे ब्रेन
ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है, स्पाइनल इंजरी, ठीक है, स्पाइनल इंजरी जो होती है उसकी वजह से एकदम से वो न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, एकदम से कहीं से नीचे गिर गया, रोड पे चलते चलते नीचे गिर गया, नीचे गिरते उसके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, उसका साथ में अपन को कैसे पता चले न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है इसको, तो उसके लिए एकदम से वो फेंटिंग हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, फेंट मतलब फेंटिंग, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, एकदम से नीचे गिर जाएगा, डिजीनेस, ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो डिजीनेस, चक्कर आएगी उसको, नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग होगी उसको, स्वेलिंग, स्वेलिंग, निकलने में दिक्कत होगी उसको, TCS लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा उसका, है ना, एंजाइटी, घबराहट होगी उसको, मैनेजमेंट क्या है, सॉरी डायग्नोस, इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता चलेगा न्यूरोजेनिक शॉक है या नहीं है, या क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक अगर एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिर गया, ब्रेन में इंजरी हो गई, या स्पाइनल कॉर्ड की जो भी इंजरी हो गई और इंटरनल अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि न्यूरोजेनिक शॉक में है पेशेंट या हाइपोवोलेमिक शॉक में है या कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो कैसे पता चलेगा उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये तो एक तो सीटी स्कैन करो, जो पार्ट डैमेज है स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन की कोई जिस जो पार्ट में पार्ट जो डैमेज है या जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ सीटी स्कैन, MRI ब्रेन, MRI ब्रेन या जो पार्ट डैमेज है वहाँ पे अपन सीटी स्कैन या MRI करवाते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, फ्लूड देंगे उसको एज पर डॉक्टर से एडवाइस, उसके बाद में एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन नोरेड, उसके बाद में डोपामिन, वैसा कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और रिनल आउटपुट है उसको भी बढ़ाएगा, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन देंगे, एट्रोपिन देंगे ज्यादा जरूरत पड़ी तो, ये सारा मेडिकल मैनेजमेंट में आता है प्लस सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है, जो पार्ट डैमेज हुआ उसको उसकी सर्जरी, है ना, उसकी सर्जरी CBAT में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी क्लास में अच्छे से सुना आपने, और उम्मीद रहेगी मेरी कि भाई आप लोग सभी मेरे पाली नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे विद कमेंट करोगे, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से सीधे व्हाट्सएप नंबर या फिर ये से YouTube के जो कमेंट्स बॉक्स में आप जाके अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट है तो आप जरूर बता सकते हैं, और हो सके तो मेरी कमियाबी आप साथ साथ में जरूर बताना कि सर समझ में नहीं आ रहा है या छोटा लिख रहा हो या फ्लैश लाइट प्रॉपर नहीं पड़ रही, तो ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं मेरे को जरूर बताना, जिससे मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूँ, और आपके जितने भी डाउट क्लियर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक में, और आपको कोई भी कंपटीशन की कोई भी तैयारी करने में आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सको, यही इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।